हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान जीके के इस छोटे से टॉपिक के अंदर प्रमुख क्षेत्रों के उपनामों के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा सबसे पहले इसमें आता है भोराट का पठार। याद रखना फ्रेंड्स, भोराट का जो पठार है ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठारी भाग है उसे भोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। और जो भोराट का पठार है वो जिलों में स्थिति पूछ ली जाए तो कुंभलगढ़ तो राजसमंद में, गोगुंदा है उदयपुर में। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उदयपुर और राजसमंद के बीच का जो पठारी भाग है अर्थात कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठारी भाग को भोराट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारे लासड़िया का पठार, याद रखना फ्रेंड्स ये उदयपुर में है और जैसमंद जिल से आगे जो कटाफटा पठारी भाग है उसे लासड़िया का पठार के नाम से जाना जाता है। तीसरा इम्पोर्टेंट हमारा गिरवा, याद रखना फ्रेंड्स उदयपुर जिले के चारों ओर जो तस्तीरीनुमा पहाड़ियाँ हैं उन्हें स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा देशक्रोह यानी देशरो के नाम से किसको जाना जाता है, यह उदयपुर में जरगा और सिरोही के पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र जो सदा हरा भरा रहता है उसे देशरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मगरा, तो ये उदयपुर जिले में जो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है उसे मगरा के नाम से जाना जाता है। अगला आता है हमारा ऊपरमाल यानी ऊपरमाल का पठार, तो याद रखना फ्रेंड्स ये भैंसरोड़गढ़ से लेकर के और बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है उसे ऊपरमाल कहते हैं। भैंसरोड़गढ़ है चित्तौड़गढ़ में है और बिजोलिया है वो भीलवाड़ा में है। अगला आता है नाकोड़ा पर्वत जिसको छप्पन की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, बाड़मेर जिले में है ये नाकोड़ा पर्वत और छप्पन की पहाड़ियाँ भी बाड़मेर में है। जो बाड़मेर में सिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र का भाग है वहाँ जो गोलाकार पहाड़ियों का समूह है उन्हें छप्पन की पहाड़ियाँ या नाकोड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छप्पन का मैदान, याद रखना फ्रेंड्स छप्पन की पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर में थी और जो छप्पन का मैदान है ये याद रखना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। और इस मैदान का निर्माण है वो माई नदी के द्वारा किया जाता है। यहाँ ऐसे कहा जाता है कि छप्पन छोटे छोटे गांवों का समूह है या छप्पन नालों का समूह है, इसलिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स काठल किसे कहेंगे, याद रखना माई नदी के किनारे प्रतापगढ़ जिले का भूभाग काठल कहलाता है यानी माही नदी के बहाव क्षेत्र वाला क्षेत्र जो प्रतापगढ़ जिले में है उसे काठल के नाम से जाना जाता है और इसे काठल की गंगा भी कहा जाता है, किसको, माही नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भाकर किसे कहते हैं, याद रखना फ्रेंड्स सिरोही जिले में अरावली के तीव्र ढाल वाली जो ऊबड़ खुबड़ पहाड़ियाँ हैं उन्हें स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। उसके बाद आता है खैराड जिसे हम खैराद के नाम से भी जानते हैं, ये भीलवाड़ा और टोंक जिले का वो भूभाग है जो बनास बेसिन में स्थित है। याद रखना भीलवाड़ा और टोंक जिले का वो भूभाग जो बनास नदी बेसिन में स्थित है उसे खैराड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12वें नंबर पे धरियन, ये जैसलमेर में बालुका स्तूप क्षेत्र है यानी जैसलमेर जिले के अंदर वो क्षेत्र है जहाँ रेत के टीलों के भंडार हैं और जहाँ जनसंख्या नए के बराबर है, उनको धरियन या धोरे के नाम से हम जानते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है कुबड़ पट्टी क्या है, याद रखना फ्रेंड्स जहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है वहाँ वो लोग जब उस पानी का सेवन करते हैं तो कुबड़ निकल आती है उनकी पीठ के ऊपर, और उस क्षेत्र में जहाँ ये कुबड़ वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं उसे कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये नागौर जिले के अंदर है, नागौर जिले में जहाँ जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है इससे शारीरिक विकृति यानी कुब होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये कुबड़ पट्टी है वो नागौर में है। नेक्स्ट है लाठीसरी क्षेत्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसलमेर जिले में पोखरण और मोहनगढ़ तक, याद रखना फ्रेंड्स पोखरण और मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे विस्तृत एक भूगर्भीय मीठे जल की पट्टी है जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। और इस लाठी सीरीज के ऊपर सेवन घास बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो लाठी सीरीज आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पोखरण और मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे एक भूगर्भीय मीठे जल की पट्टी है और जहाँ सेवन घास है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख बीहड़ के भू भाग, याद रखना फ्रेंड्स जो सर्वाधिक बीहड़ है वो हमारे सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में है।
सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली में, उनमें सबसे ज़्यादा भीड़ पहुँच ले तो हमें धौलपुर में करना है। अब मेवात इसके अंदर जो उत्तरी अलवर है उसका हिस्सा आता है, कुरू इसमें अलवर ज़िले का कुछ हिस्सा आता है, और सूरसैन भरतपुर, धौलपुर और करौली ज़िलों का हिस्सा है वो सूरसैन में आता है। उसके बाद योद्धे है हमारा जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले का हिस्सा आता है। और नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ। फ्रेंड्स याद रखना, राजस्थान की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उनमें एक नंबर पर हमारे मालखेत की पहाड़ियाँ, यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट है, एक दो अक्षर ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आपको बिल्कुल ठीक है, मालखेत की पहाड़ियाँ याद रखना सीकर ज़िले में है। उसके बाद में हर्ष पर्वत है हमारे, वो भी सीकर में है हर्ष, और उसके बाद में अपने बीजासन, बीजासन पर्वत याद रखना फ्रेंड्स, ये मंडलगढ़ भीड़वाला में आता है। चिड़िया टू की पहाड़ी है वो हमारे जोधपुर ज़िले में है। बीठली की पहाड़ी है वो अजमेर में है, तारागढ़ इसी के ऊपर बना हुआ है। त्रिकुट पर्वत है वो जैसलमेर के अंदर है, और एक सुंदा पर्वत है जो भीनमाल जालौर में है। और याद रखना फ्रेंड्स, सुंदा पर्वत के ऊपर सुंदर माता का मंदिर भी है, इसी मंदिर में राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था, और राजस्थान का दूसरा जो रोपवे था, मैंने थोड़े दिन पहले आपको रोपवे वाले एक टॉपिक पढ़ाए थे, वो राजस्थान का जो दूसरा रोपवे था वो मनसा पूर्णकर्णी माता का था, और जो अपने उदयपुर में था। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा, और एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।